तो फिर एक बार आप लोगों के सामने मैं आ गया हूँ। तो नौरा और उसकी फ्रेंड वहाँ पे बैठे हुए हैं आइसक्रीम पार्लर में, और मैं जस्ट थोड़ा बोर हो रहा था, दैट्स व्हाई आई थॉट कि थोड़ी वॉक करने जाए, वॉक की जाए। सो वेलकम एवरीवन, आज के व्लॉग में हम आए हैं ड्रेसडन के सिटी सेंटर के बीचों बीच। अपनी स्टिक मैं भूल चुका हूँ तो आज अपने हाथों से ही काम चला रहे हैं। एंड ये वॉक होने वाली है आज अबाउट 6 से 7 घंटे की, एंड हम बहुत कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नौरा के फ्रेंड्स से मिलने, जिन्होंने इनवाइट किया है हमें एक आइसक्रीम पार्लर में, एंड वहाँ पे हम जाके कुछ आइसक्रीम खाने वाले हैं और कुछ बातें करने वाले हैं। तो ये वॉक ऐसे ही चलेगी, होपफुली ज़्यादा हिल नहीं रही हो, बट स्टिल आपको अच्छे नज़ारे देखने को ज़रूर मिलेंगे, दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। आज वेदर बहुत ही अच्छा है एंड सभी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं बड़े बूढ़े लोग यहाँ हैं, छोटे बच्चे साइकिल चला रहे हैं, लोग धूप का मज़ा ले रहे हैं, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। और चलते चलते थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि हमारे सामने ही राइट साइड में एक चर्च है जो कि ओपन है, ये हाउपस्ट्रासे पे है बेसिकली, एंड इट्स कॉल्ड ड्राईकोनिग्सकिर्चगेमाइंडे। एंड आप देख सकते हैं ये एक सिटी सेंटर है, तो यहाँ पे रोड कॉबलस्टोन है एंड उसके पीछे ये बड़े से चर्च का एक अच्छा नज़ारा। कुछ यहाँ पे यूनिक और स्पेशल रेस्टोरेंट्स भी हैं जो कि बेसिकली टूरिस्ट्स के लिए हैं, तो मुझे वहाँ जाना पसंद नहीं है। आई यूजुअली गो टू द लोकल प्लेसेस, जहाँ पे लोकल लोग खाना और पीना पसंद करते हैं। और जैसे कि आप हम लोग मेरे सामने देख सकते हैं वीडियो में, ये एक स्टैचू है जिसको बोलते हैं गोल्डन हाइटा, ये यहाँ पे बहुत फेमस स्टैचू है। तो जब भी लोग ड्रेस नाते हैं वो इधर आना ज़रूर पसंद करते हैं, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, देख सकते हैं आप। एंड मैं आज की वीडियो के लिए बहुत माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं अपनी स्टिक भूल चुका हूँ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट देख पा रहे होंगे, बट होपफुली वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना कर रही हो आपको। सो हम आ गए हैं सिटी सेंटर के दूसरी साइड, जो कि है नॉयस्टाट का स्टार्ट, बिगिनिंग ऑफ नॉयस्टाट, एंड यहाँ पे लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सो इट्स प्रीटी नाइस। एंड ये वो आइस कैफे जहाँ हम जाने वाले हैं, वेरी नाइस विद द ट्रे। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल वीकेंड है ड्रेसडन के लिए, जहाँ पे सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर आना पसंद करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे सिर्फ जॉब्स वाले हैं और इनके पास पूरा का पूरा वीक बुक्ड होता है, एंड मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो है यहाँ पे उनकी जो लो पेइंग जॉब्स हैं वो ज़्यादातर डिफरेंट शिफ्ट्स में होती हैं, एंड इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक दूसरे को नहीं देख सकते। तो ये टाइम जो वीकेंड का है स्पेशली,
Friday night and Saturday, the whole day until Saturday evening and Saturday night, ये इसको पूरा utilize करते हैं. And Sunday एक ऐसा दिन होता है जिसको रूहेटाक बोलते हैं. रूहेटाक means कि relaxation day. So Saturday सबसे happening और exciting होता है यहाँ पे weekends में. And Sunday is just little relaxing. और yeah, आप देख सकते हैं कितना relaxed माहौल है. वेदर बहुत अच्छा है एंड आइसक्रीम कल्चर यहाँ पे इतना अच्छा है कि देखो कितनी भीड़ लगी हुई है इस पार्लर में जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं. सब लोग यहाँ आए हैं अपनी फैमिलीज को लेके, छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, म्यारी एज के सब लोग यहाँ पे अपनी फैमिलीज को लेके आए हैं. और जिस बच्चे को देखो कितनी क्यूरोसिटी से देख रहा है. दैट इज द कल्चर. एंड सामने जो कि आप देख सकते हैं वो एक्चुअल सिटी सेंटर है. मोस्ट प्रोबेबली हम वहाँ जाएंगे टुमारो या फिर आज शाम को अगर हमें टाइम मिलेगा. आज शाम को हम लोग जाने वाले हैं पीशन फेस्ट. पीशन एक फेयरटल है, एक एरिया है ड्रेसन का जहाँ पे हम लोग रहते हैं. एंड वहाँ पे फेस्ट होने वाला है तो वहाँ हम शाम को जाएंगे. ब्यूटिफुल, अमेजिंग. तो ये है वो गोल्डना गाइटा. एक्चुअली गोल्ड का बना है कि नहीं बना ये तो मैं नहीं बता सकता, बट लुक्स लाइक गोल्ड. एनीवे हमारे यहाँ नाइस कार, या हम लोग की मीटिंग हो चुकी है एंड आई वाज लिटिल हंग्री. सो मैंने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है नॉट सी, वहाँ पे कुछ खाना खाया. एंड नाउ अब हम ट्राम लेंगे इस ट्राम स्टेशन से और फिर से मैं आप लोगों को एक बार व्यू दिखा दूंगा यहाँ से. अब यहाँ से ट्राम लेंगे एंड हम जाएंगे टू पीशन फेस्ट. देख सकते हैं वी हैव टू वेट अंटिल दिस टर्न्स ग्रीन. एंड इस जगह से हमने ट्राम लेनी है. अमेजिंग व्यू, ग्रेट. सम बाइक्स फ्रॉम द बाइकर क्लब. Can't take this one. So ये वाले पार्ट में DJ कुछ म्यूजिक प्ले कर रहा है एंड हम लोग आए थे इस साइड से. And a lot of people are here. आप देख सकते हैं इस वीडियो में. Oh, there is a lion.
आप देख रहे हैं छोटे बच्चे ने, मैं कैमरा डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं करूंगा, बट आप लोग देख सकते हैं ये गाने नहीं सुन रहे, ये बेसिकली म्यूजिक बहुत लाउड है यहाँ पे, तो जो पेरेंट्स है वो एंजॉय जरूर करना चाहते हैं कि अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आए, बट इतने छोटे बच्चे होने के बावजूद वो आते हैं इसीलिए ताकि वो एंजॉय कर पाए, और वो रीजन है, ये पहनने का रीजन ये है कि साउंड प्रूफिंग उनको मिले ताकि वो स्टिल एंजॉय कर पाए, राइट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि म्यूजिक इतना लाउड है बट जो बच्चा है उसको इतना लाउड सुनाई नहीं दे रहा, तो एक रीजन है। एंड यहाँ पे देखिए कितने मस्ती से लोग एंजॉय कर रहे हैं, ओपनली अल्कोहल शॉप हो रही है, लोग पी रहे हैं एंड दे आर एंजॉइंग टू मच एंड इट्स परफेक्ट, हर सेंस इज परफेक्ट, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट जर्मनी, यू नो। बाद ये हाल है, खड़े होने की जगह नहीं है यहाँ पे। अच्छा ओकेजन है, बहुत अच्छा मूड है लोगों का एंड इट्स क्वाइट एंजॉयबल। आपको यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग दिखेंगे, ऑल्टरनेटिव, प्रोफेशनल, रेगुलर पार्टी गोअर्स एंड कुछ अलग तरीके के नृत्य देखने को भी मिलेंगे। एंड वहां बैठा है डीजे, कैसा
towards home. So ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो पीशन स्टार्ट फेस्ट का था वो बहुत ही मज़ेदार था. एंड अब हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं, बहुत थक गए हैं, सुबह से निकले हुए हैं एंड काफ़ी लंबा दिन था. सो अब घर जाएंगे एंड आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे. सो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसे अच्छा लगा तो नहीं. अनटिल देन.